पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरे की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया, यानी कि गाय का दूध एक लीटर एक किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद, वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक उत्तराखंड के होटल में है, लेकिन हिमाचल की राजनीति गर्म है। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के बागी विधायकों के हरियाणा से उत्तराखंड जाने पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और आरोप लगाया कि विधायकों को इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है जैसे चरवाहा भेड़ों को हाँकता है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार। ललित होटल है, उसमें 75 लाख इनका 10 दिन में रहने का खर्चा आया है। अब ऋषिकेश के जिस तरह गडरिया ले जाता है ना अपनी भेड़ों को भी इस स्थान से नहीं दूसरे स्थान पर ले जा रहे, उस तरह भेड़ों की तरह उनको ले जाया जा रहा है। आप विधायक हैं, आप चुन के आए हैं, लेकिन आपने अपनी अपनी अंतरात्मा से नहीं अपनी अपने धन आत्मा से अपने वोट। देखो मुझे बहुत अफसोस है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में ऐसे शब्दों का चयन करें, उनको भेड़े बोलें और गडरिया बोलें उनके नेता को किसी को, तो ये उचित भी किसी तरह से भी उचित नहीं है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए, वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, चुन करके आए हैं। क्या अपने आप को क्या वो भीड़ से अलग मानते हैं क्या?